चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज। आज की सबसे पहली न्यूज आ रही है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। तो रॉयल इनफील्ड की जो रिसेंटली लॉन्च हुई हंटर 350 है, इसने अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट क्लासिक 350 को सेल्स के मामले में बीट कर दिया है। हंटर 350 का अगस्त के महीने में 18,197 यूनिट सेल किया गया है, वहीं पे क्लासिक 350 का 18,993 यूनिट सेल किया गया है। और ये बाइक 7 अगस्त से लॉन्च हुई है, उसके बाद का ये नंबर है। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस सितंबर के महीने में क्या रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 350 है ये क्लासिक 350 को सेल्स के मामले में बीट कर पाती है नहीं कर पाती है, ये हमें कुछ ही दिनों के बाद पता चल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि किस वजह से लोग हंटर 350 को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्लासिक 350 से, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और जो XUV 700 है, इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट जिसको E8 कहा जा रहा है, इसको भी स्पॉट किया गया टेस्टिंग के दौरान बेंगलुरु के अंदर, जिसकी कुछ इमेजेस निकल के आई हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये कार सबसे पहले लॉन्च होने वाली है जो 5 कार्स महिंद्रा ने 15 अगस्त को रिवील की हुई है, उनमें से ये पहली कार होगी जो सबसे पहले महिंद्रा लॉन्च करने वाला है। तो इसकी टेस्टिंग महिंद्रा ने स्टार्ट कर दी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और सारी जो डेवलपमेंट होगी वो आपको आने वाले टाइम के अंदर पता चलती रहेगी। और इसी के साथ जो टाटा की निक्सॉन है, इसके अंदर टाटा ने एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया है जो कि XZ+L है। इस वेरिएंट को मिला के टाटा निक्सॉन के मार्केट के अंदर टोटल 77 वेरिएंट हो गए हैं। इसकी प्राइस इन्होंने 11.37 लाख रखी हुई है और इसका इन्होंने डार्क एडिशन भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और इसी के साथ साथ जो इनकी पंच है, इसका भी एक स्पेशल एडिशन लेके आने वाले हैं जिसका नाम कैमो होने वाला है। और ये चीज टाटा ने खुद ही एक्सेप्ट की हुई है कि जो इनका स्पेशल वेरिएंट्स हैं, ये इनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। जैसे कि इनका जो डार्क वेरिएंट है, काजीरंगा वेरिएंट है, इन वेरिएंट से टाटा ने काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। स्पेशली जो डार्क वेरिएंट है, ये टाटा के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल निकल के आया है। इसी वजह से इसका एक नया स्पेशल वेरिएंट भी ये लोग लेके आ रहे हैं, जिसका इन्होंने टीजर शेयर किया है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसको टाटा कब तक मार्केट में लॉन्च करने वाला है, इसके बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं है, लेकिन टीजर आ गया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स मिल जाएंगी। और दोस्तों, जो MG की हेक्टर और हेक्टर प्लस है, इसके ऊपर भी MG ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। इसके प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो इनकी एस्टर है, इसके ऊपर इन्होंने 40,000 से प्राइस इंक्रीज किया हुआ है। अब इनकी हेक्टर और हेक्टर प्लस जो है, इसके ऊपर इन्होंने 20,000 से लेके 28,000 तक की प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। और अब जो हेक्टर का बेस वेरिएंट है, ये 14.43 लाख से स्टार्ट होता है। इसी के साथ आज की हमारी ऑटो न्यूज नंबर 54 खत्म होती इधर ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।